चीन के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में एक नए प्रकार के वायरस का पता लगाया है। दावा किया जा रहा है कि यह वायरस कोरोना का नया वेरिएंट हो सकता है। इसके लिए चीन में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दावा किया गया है कि इसमें म्यूटेशन की क्षमता बहुत ज्यादा है। कोरोना वायरस के अब इस नए वेरिएंट की बात की जा रही है, जिसे नियोकोव का नाम दिया जा रहा है। कई चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नियोकोव कोरोना का ही एक वेरिएंट है और कहा गया है कि यह वायरस संभावित प्रकार की चेतावनी देता है जो मध्य पूर्व में 2012 और 2015 के प्रकोप से जुड़ी है। नियोकोव पुराना वायरस उसी प्रकार का है जिसमें सार्स COV2 है। चीन के वुहान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार नियोकोव सार्स COV2 की तरह ही मानव कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। चेतावनी दी गई है कि नियोकोव एक समान तकनीक का उपयोग करके फैल सकता है। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक नए प्रकार का वायरस है जिसके संक्रमण की मृत्यु दर सबसे अधिक है। नियोकोव को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में खोजा गया था, हालांकि इसके मानव शरीर में फैलने के फिलहाल कोई सबूत नहीं है। नियोकोव COVID-19 का वेरिएंट फिलहाल नहीं है, इस पर जांच चल रही है। इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि केवल इतना ही अभी तक जानकारी मिल पाई है कि नियोकोव शायद MERS-CoV वायरस से जुड़ा है और अब तक केवल चमगादड़ों के बीच में ही पाया गया है। NIRS वायरस एक श्वसन वायरस है जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और अब तक लगभग 35% रोगियों में घातक पाया गया है। ये वायरस को अभी तक सिर्फ जानवरों में ही फैलता हुआ देखा गया है। बायोरेक्स्यू वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नियोकोव और इसके करीबी म्यूटेट PDF-2180-COV मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके संक्रमण की रफ्तार और इसके मृत्यु दर काफी ज्यादा है, हालांकि अभी तक इसका पीयर रिव्यू नहीं किया गया है।